एक पहाड़ जैसा विशाल मतवाला बादल गरजता हुआ आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल काला है और इसने आपके ऊपर और पीछे का चमकीला नीला आसमान पूरी तरह ढक लिया है। आपको एक आंखें चौंधियाने वाली चमक दिखी और कुछ सेकंड बाद आपने बादलों की गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनी और फिर आसमान से घनघोर बरसात होने लगी। हवा ऊपर उठ रही है। आपने देखा कुछ मील दूर पेड़ों के ऊपरी तने तेज हवा से लहराकर जमीन की तरफ झुक रहे हैं और हर सेकंड वे जमीन के और करीब आते जा रहे हैं। आपके कदम वहीं थम गए। आपको एहसास हो गया कि आप किसी भी तरह बच नहीं सकते। पर जब बरसात आपके बेहद करीब पहुंचने ही वाली थी तो अचानक उसकी हलचल रुक गई। असल में आपसे कुछ ही फीट आगे एक बाढ़ आई हुई है, पर ठीक जिस जगह आप खड़े हैं वहां जमीन भी सूखी है और धूप भी है। थोड़ी देर बाद गरजते हुए गुस्सैल बादल आखिरी बूंद टपकाकर वहां से चले गए। बरसात का किनारा दिखना एक नायाब नजारा तो है, मगर ये दिखना नामुमकिन नहीं है। पर ये जरूरी है कि बरसात में वाकई ताकत हो, ताकि बूंदें हवा के झोंकों से इधर उधर न उड़ें बल्कि धरती पर सीधी गिरें। अगर बरसात हल्की फुल्की होगी तो आपको उसके किनारे सिर्फ दूर से ही दिखेंगे। आपको ये आसमान से धरती तक एक झिलमिलाती स्लेटी धुंध जैसे दिखेंगे। बरसात की फुहारें थम गई हैं और रुकिए, ये कैसे बादल हैं? ये तो बड़े भयंकर दिख रहे हैं। खैर फिक्र ना करें, इन्हें मैमेटस क्लाउड कहा जाता है और ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये भयानक तूफान या चक्रवाती बवंडर के ठीक पहले या बाद में दिखाई देते हैं। आमतौर से बादल गर्म हवा के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचने से बनते हैं, पर ये बादल तो ऊपर से नीचे आने वाली ठंडी हवा की वजह से बनते हैं। ये हवा बर्फ और पानी से भरे पॉकेट्स वाले ऐसे बादल बनाती है जिसमें बर्फ और पानी अलग अलग लोब्स में झूलते रहते हैं। हालांकि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट टिकते हैं और फिर बरस जाते हैं। मौसम और भी ज्यादा अनोखा हो सकता है, जैसे जानवरों की बरसात। साल 2009 में जापान के इशिकावा में लोगों ने एक ऐसी बारिश देखी जैसी पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। यहाँ टैडपोल्स की बारिश हो रही थी। पहला अंदाजा ये है कि उस दिन बेहद तेज हवा चली थी और शायद यही इन्हें अपने साथ उड़ाकर ले आई। दूसरी वजह यह हो सकती है कि सीगल्स जैसे बड़े पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़कर जाते समय इन्हें गिरा गए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव जमीन के एक वाटर स्पाउट से पानी की फुहार के साथ बाहर निकले, तेज हवा से ये ऊपर उड़ गए और फिर बरसात के पानी के साथ जमीन पर आ गिरे। वैसे लोगों को सिर्फ टैडपोल्स ही नहीं मिले बल्कि उन्हें बरसाती गड्ढों के बजाय मेढक और मछलियाँ भी मिली। और हाँ, वे बारिश के कीड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्नेक रेन्स देखी है। धत तेरे की, हालांकि पता है मैंने तो बस हॉर्स रेन्स ही देखी है। बरसात आम तौर से ओकविल वॉशिंगटन के लिए कोई अनोखी चीज नहीं है, मगर यहाँ हुई एक अजीब बरसात का अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हो पाया है। यहाँ लोगों ने आम बरसाती बूंदों के बजाय आसमान से पारदर्शी जैली जैसी गाढ़ी बूंदें गिरते हुए देखी। जो लोग उस बरसात की चपेट में आ गए थे उन्होंने बताया कि अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये बूंदें शायद भाप बन चुकी जेलीफिश हैं जो हवा में घुल गई और इसी की वजह से ये बरसात हुई, या ये किसी कमर्शियल प्लेन का कचरा भी हो सकता है। साल 2012 में तकरीबन बिल्कुल यही घटना यूके के डॉर्सेट में भी घटी थी। ओलों की बरसात के दौरान लोगों को ओलों के साथ जिलेटिन बॉल्स मिली। शोधकर्ताओं ने वे चिपचिपी बॉल्स इकट्ठी की और उन पर बाद में शोध करने के लिए उन्हें फ्रिज में रख दिया। पर पता ये चला कि ऐसा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि वे घिनौनी बूंदें रूम टेम्परेचर पर भी नहीं पिघली। कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता पाया कि वे बॉल्स कहां से आईं, मगर पहला अंदाजा यही लगाया गया कि वे किसी समुद्री जीव के अंडे हैं जिन्हें पक्षी अपनी चोंच में भरकर आसमान के रास्ते ले जा रहे थे। बाद में हुए टेस्ट में साबित हुआ कि वो जेली जैसी चीज वाटर लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक केमिकल था, जिसे कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, यहाँ तक कि केबल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पानी से बचाने के लिए।